अगली खबर, भोपाल से जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कोरोना के क्षेत्र में राहत है, प्रदेश में 13 केस आए हैं, 80 लोग ठीक हुए हैं, वही 179 एक्टिव केस बचे हैं, रिकवरी रेट 98.8% है। वही सीएम खुद समीक्षा कर रहे हैं, स्कूल खोलने का फैसला जिला स्तर क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारी प्रभारी मंत्री लेंगे। वही इंदौर में शराब माफियाओं के बीच हुए गैंग वॉर पर उन्होंने कहा कि हमने गंभीरता से इंदौर के मामले को लिया है, रासुका की कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों की संपत्ति तहस नहस की जाएगी। वहीं प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि सभी हमारे भाई हैं, बैठकर बात करेंगे। और इसके साथ यूपी चुनाव पर कहा कि यूपी में योगी जी का परचम लहरा रहा है, यूपी में अच्छे काम हुए हैं, यूपी में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। सीएम बदलने के दिग्विजय सिंह के आरोप पर कहा उन्होंने कि कांग्रेस अपनी चिंता करे, हमारी पार्टी का सीएम तय करने चले। कोरोना के क्षेत्र में लगातार राहत है, मध्य प्रदेश में पूरे में कुल 13 नए प्रकरण ही आए हैं, 80 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं, 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं, रिकवरी दर हमारी 98.8 बनी हुई है। और जैसा आप सबको विदित है कि हमारे टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70,000 के आसपास हम रोज कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और समीक्षा कल भी की गई थी। जिला स्तर पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के अधिकारी और प्रभारी मंत्री से परामर्श के बाद में इस विषय पर कोई निर्णय होगा। कि आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि दिग्विजय सिंह कभी हमारी तारीफ करेंगे? हम तो कभी नहीं करते हैं। जैसो जाको स्वभाव जाएगो जी से, और नीम न मीठो होए सीचिए गुड़ और घी से। हमने बहुत गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है, शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से लिए। हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे, और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए अवैध संपत्तियां हैं सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। पूरी सख्त है, सरकार की निगाह है, इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल है क्या कि कमलनाथ जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं भी कोशिश करूंगा उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की, पर जो इस प्रदेश का शास्त्र बिगाड़ के चले गए वो अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। मुझे कोई ज्ञापन इसरानी जी ने नहीं दिया है, राहुल बाबा ने कहा था उसका अनुसरण कर रहे हैं वो, उनने कहा था कि जिन्हें जाना है चले जाए, वो जा रहे हैं। अब स्थिति देखो कितनी अजीब है, एक को मनाऊ तो दूजा रूठ जाता है, पंजाब में मनाया तो मणिपुर चला गया, ये डूबता जहाज है, इसमें कोई बैठेगा नहीं। अगर इतिहास देखेंगे तो शिवभानु सिंह सोलंकी के पहले से चला आ रहा है, माननीय शिवभानु सिंह जी सोलंकी की इसी तरह से उपेक्षा की गई, अगर कांतिलाल भूरिया की इसी तरह से उपेक्षा की गई, उनको विधायक बना लिया और मंत्री नहीं बनाया, माननीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी को उप मुख्यमंत्री तक आने के बाद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, खुद दिग्विजय सिंह जी बन गए, वही मरकाम है। इन सबको देर में समझ में आता है, बस यही पीड़ा है। कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति की हितैषी रही नहीं, ये सिर्फ उन्हें वोटर मांगती है। अभी संभावनाओं के गर्त में है, वो आवश्यकता के अनुसार देखेंगे, क्योंकि विधायी कार्य, वित्तीय कार्य पर्याप्त है,
इसलिए जैसी स्थिति बनेगी वैसा निर्णय लेंगे। हमारे अपने भाई हैं, कोई बात होगी तो बैठ के करेंगे। उनका भी उद्देश्य इस कोरोना काल से की विपत्ति से निकल के हम सब आए हैं, उनकी भी इच्छा प्रदेश को खुशहाल करने की है, हमारी भी इच्छा है। जब दोनों का मंतव्य एक है और दोनों की मंजिल एक है तो हम बैठ के निपटाएं। कमलनाथ जी ने मीडिया के साथ पहली बार नहीं किया है, पहले भी वो करते रहे। अब ये तो आप लोगों को सोचने वाली बात, जिस दिन आप लोग सोच लोगे बस वही खेल खत्म हो लेगा। इस बार तो योगी जी का परचम है लहरा रहा है, पार्टी के काम और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपान गढ़ रहा है, उससे स्वाभाविक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी फिर दो तिहाई बहुमत से आएगी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये कल्पनाओं पर आधारित कपोल कल्पित पूरा का पूरा मामला है। देश को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस का सोच हमेशा यही रहता है। जब भी देश के स्वाभिमान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, आप अभी की बात मत देखो, जब से मोदी जी आए हैं तब से देखो, हमेशा उस विषय को उन्होंने रेज किया है। अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना पर सवाल उठा देते हैं। अभी आखिरी में वैक्सीन तक पर सवाल उठा दिए, क्योंकि विश्व के अंदर भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बना ली। तो सेना पे सवाल, वैज्ञानिक पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, न्यायपालिका पे सवाल, चुनाव आयोग पे सवाल, यही इनका काम बचा है, और कोई काम है नहीं। फुर्सत के क्षण है, अपनी बिगड़ी बनाना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इनसे कह दिया था कि इन पे मैंने विश्वास कर लिया, इसलिए सरकार गिर गई।